सबसे बुरी बात कि एक जब जनता होती है, पब्लिक होती है, कैसे व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए? समझदार हो, अच्छा हो, लोगों को अच्छा संदेश दे, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए ना। लेकिन हमारे देश में जो गोल टोपी वाले हैं, जो गौ माता को मारते हैं, गौ का मांस खाते हैं, तिलक लगाने वालों की गर्दन काटने के लिए कहते हैं, गले काटते हैं, गर्दने काटते हैं, यानी इनके ऊपर अगर कुछ बोलो तो डायरेक्ट गोली मारने की सोचते हैं, तो यार तुम जिसको फॉलो करते हो, अगर वो व्यक्ति 14-14 शादियां करेगा तो तुम भी वही करोगे। माइक नंबर एक से अगर कोई भाई हो सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी। मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते। और दूसरा मेरा सवाल है, और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, ये नेचुरली एक पुरुष कौन, एक पुरुष एक ही स्त्री का स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। स्त्री मैं सुनने में ना, मैं जी हाँ। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान, कर सकते हैं, तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक एक सवाल, काफी लाइन लगी है, टाइम भी खत्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है, इस सवाल का जवाब भी बहुत ज्यादा है, आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा से कर सकते, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मजहब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियाँ थी, कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियाँ थी? लेकिन वो ठीक नहीं है, उनका थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियाँ थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियाँ थी? दशरथ को चार थे। कितनी थी? चार। चार थी, आप चार कहते चलो मान लिया, मैं तीन बीवियाँ थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी, कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा। हाँ, मेरा बोलने का श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है, श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप? संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते, श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या? नहीं, आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या? नहीं, हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या? नहीं, गॉड गलत कर सकता है क्या? नहीं, नहीं। अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, श्री कृष्ण के 16,108 रहती है, तो मुसलमान की चार क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते, लेकिन इस्लाम में कुरान में लिखा है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमन इज अ चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कैन डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1,000, 16,000 कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में
एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आम तौर पे लड़की और लड़का मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीज मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में ही लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुबहाना ताला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, औरतें मर्द से कम है। क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूँगी एक आदमी की बीवी बनूँ जिसकी बीवी मौजूद है, बनिस्बत बाजार की जीनत बनूँ। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजार या औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।